सारा दिन यहाँ पे पानी इतना खड़ा रहता है कि जरा सा अगर बारिश होती है ना तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। और डिग डिग के पुलवान बनता ना बंदा, वो हिसाब हो गया साडा, आदत पै चुकी सानू। ते अज दे नहीं 30 साल हो गए ने इत्थे दे हालात खराब ने, वो हुकुमरान कदों वड़दे ने इत्थे जदों वोट लैना होवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। आज हम गुजरांवाला के इलाका कच्चा ख्याली रोड पर मौजूद हैं, जहां पर रोड जो है टूट फूट का शिकार है, पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज लाइन बंद है, जिसकी वजह से लोग जो हैं नमाजियों का गुजरना बहुत मुहाल हुआ हुआ है और लोगों को गुजरने के लिए बहुत मुश्किल का सामना है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, मेन हॉल भी बंद है जिसकी वजह से लोगों का गुजरना मुहाल है। अगर कोई जनाजा गुजरे उनके लिए भी बहुत परेशानी का बाइस बनता है, मस्जिद भी करीब है, नमाजी भी बहुत परेशान है। तो नाज़रीन आइए हम आपसे शहरियों की बात करवाते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा असगर है सर। राणा साहब आप यहाँ के रहिशी हैं? जी हाँ, यहाँ के रहिशी। आपको क्या मुश्किलात का सामना? हमें तो ये मुश्किलात है कि यहाँ पे सारा दिन यही प्रॉब्लम बनी रहती है, पानी नहीं खत्म होता। अब भी रात गाड़ी पे जा रहे थे तो गाड़ी स्लिप हुई है, टांग में इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है। देखे ना, हुकूमत को हम सब कुछ देते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, तो अगर हमारे गरीब आदमियों की आवाम की अगर हमारी नहीं सुनी जाए तो फ़ायदा क्या है हमारे लिए? हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रात को अंधेरे में इधर से गुजरें, क्या पता कहाँ पे टोया है कहाँ पे नहीं है। सारा दिन यहाँ पे पानी इतना खड़ा रहता है कि ज़रा सा अगर बारिश होती है ना तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो किसको कहें भाई? इंतज़ामिया को नहीं बोला आप? भाई किसको बोलें, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं सुनता। इलाके के MP और MNA को मेरा ख्याल यहाँ उस्मान इब्राहिम नमाज चौहान है, उन्होंने भी नहीं कोई सुनवाई। देखे ना, वो खुद ही उन्हें यहाँ से गुजरना हो तो उन्हें प्रॉब्लम हो ना भाई, प्रॉब्लम तो उन्हें होगी ना जब वो यहाँ से गुजरेंगे। गुजरना तो हमने यहाँ से, प्रॉब्लम तो हमारे लिए है ना। हमले का वालेकुम सलाम, क्या नाम है आप? आगा असर खान दुरानी। तो आप इधर के रहिशी हैं? मैं 33-34 साल हो गए इधर ही रहते, बस क्या कहते हो और डिग डिग के पुलवान बनता ना बंदा, वो हिसाब हो गया साडा, आदत पै चुकी सानू, और इसे पानी नहीं कदम मुकया है जी। पहले चिकड़ खोबा जो सड़क बनी है तो पानी खलोन लग गया, गटर बंद है जी, वो गंद पाया सही आता, उन्होंने कहो भी तो नहीं चुके लैके जा, वो ये कहता जी मेरा काम नहीं है, वासा वालों का, वासा वालों को कहो, वो कहता जी फलाने का काम है। वासा वाले भी नहीं आते? वो भी नहीं आते, वो अपना मूवी बनाई और अपना घर को चले गए, चल भी हाँ जी। तो किसी का सास ही कोई नहीं है किसी को, हाँ जी। तो इधर से जो आता है वो कोई जनाजा भी लेके जाता है, कोई पिछले रोड से चला जाता है, कोई इधर से चला जाता है, ये रोड पक्का बना हुआ है। कोई गटर खोलता है, कोई गटर बंद करता है, तो इतने तो जिन्हें भी रिहायशी रहना बहुत परेशानी है। इतने कोई गड्डी आ जाए, कोई माल आ जाए, कोई शादियां ने इतने इन्नी कोई परेशानी है कि इतने कोई बंदा आने तैयार नहीं है। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि इतने इंतजाम हो जाए, बाकी ये हुकूमत जी है ना ये तो बिल्कुल नकारा, किसे काम दी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कुछ भी करते, लगे अपने अपने सब खान पीन तो लगे ने, आवाम परेशान ने, कोई सुनता नहीं है। मस्जिद है साढ़े मस्जिद अगे इन्ना ना पानी है, नमाज बंदे होंगे ने पढ़ो वापस चले जाते हैं, गलियों बाहर निकलो इन्ना ना पानी, बच्चे ने कोई चले जाइए आंदे रक्षा करे ना वेख के ना कच्चे के रोड से जाना, वो डर जाते भाजी असं नहीं जाना। इतने तो भाई बड़े हालात खराब ने इतने, तो अज दे नहीं 30 साल हो गए ने इतने हालात खराब ने, वो हुकुमरान कदों वड़दे ने इत्थे जदों वोट लैना होवे उस तो बाद नहीं कोई वड़दा, साई भी आएगा 15 दिन बाद एक बारी नालियाँ कढ़ देगा, नालियाँ कढ़ के चला जाएगा, 15 दिन बाद कूड़ा चुकन आएगा जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इलाका के काउंसलर, उनसे बात करते हैं कि इंतज़ामिया इनके साथ क्यों तावन नहीं करती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इंतज़ामिया सबसे पहले चोर है, नखट्टू और नकम्मे। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि इनका एक्शन लिया जाए, वासों का भी और वो अपने यहाँ पे वाप साहब जो हैं लगे हुए हैं अफसर, उनको भी बड़ी दफ़ा दरख्वास्तें दी, अपील की, तरला की, मिन्नतें की, मगर इलाके की कोई भी नहीं सुनता। ये एक दिन का काम नहीं, ये 2-3 साल से ये काम हो रहा है। इसी तरह पानी खड़ा हो जाता है, एक दिन आते हैं वो काम करते हैं, फिर इसी तरह फेंक के चले जाते हैं जी, हमसे नहीं हो रहा। ऊपर अफसर के तमाम वो नीचे वाले जो जितने भी हैं ना वो सारे कह रहे हैं कि अफसर लोग माल खा रहे हैं, हम उनको ज़रा कुछ थोड़ा सा डांट देना, वो कह रहे डांटो
हम जिनको माल खिलाते हैं वो बोलते ही नहीं है। अधीन आपने अहले इलाका का गम व गुस्से का इजहार आपने सुना है, उनका कहना है कि इंतजामिया हमारे साथ कोई तआवुन नहीं कर रही। कितनी बार इंतजामिया को हमने इन्फॉर्म किया है लेकिन कोई भी काम करने के लिए नहीं आ रहा। लिहाजा हमारा काम था कि आप तक ये खबर पहुँचाना, आपको दिखाना कि लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। तो मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN न्यूज़। अल्लाह निगहबान।